Good morning. How are you? Camera on. Good morning. Yes, I know. Congratulations in advance. Yes, sir. Good morning. Hi, how are you, sir? क्या हाल है? मेरे को लगा कैमरा नहीं नहीं हेलमेट के साथ ऑलमोस्ट पास में गया. अरे थैंक यू, ये कॉम्प्लीमेंट है. Best of me now, best of me now, best of me. So hey guys, welcome back to the channel, welcome back to the Raghav Vlogs. आज हमारा प्रोडक्शन बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. देख रहे हो आप, रोड का माइक लगा, सोनी का कैमरे से वीडियो बन रही है, क्योंकि आज हम स्पेशल ओकेजन पे आए हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी दो टाइम पहले जा चुके हैं. एक बंदा है हमारे, जिसे कहते हैं ना हमारे सीनियर हैं, और बोले तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं. वो बंदा रुक नहीं रहा और वो रुके भी ना, क्योंकि वो आगे बढ़ता जा रहा है और हम सीखते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो हम बुलाना चाहते हैं हमारे चैनल पर फिर से दी मोटोग्राफर. तो ये हमारे सामने है, ये एक और एड होने वाली है रोड ट्रिप यूनाइटेड. चलो ठीक है. तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे एक डुकाटी की डिलीवरी लेने आए हैं. अभी कौन सी है वो आपको इनके चैनल पे तो पता चल गया है. तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये जो सामने चीज़ खड़ी है जिसके लिए हम आए हैं, वो बहुत प्यारी है, फोटोज़ में प्यारी लगती है. अब तो वीडियोज आने वाली है तगड़ी तगड़ी, कौन की ट्रैक होने वाले है इस पर. तो अभी इसको अनवील करते हैं. कैसा लग रहा है आपको आपकी एक और नेक्स्ट बाइक के लिए? मैं ये नहीं बोलूंगा फोर्थ और फिफ्थ बाइक, पता नहीं आपने कितनी बाइक ले ली है, क्योंकि मैं आपसे 20 साल छोटा हूँ. हाँ, मैंने बोल दी इस बार लाइक 20 साल की उम्र में दो सुपर बाइक ऑलरेडी ले चुके हैं. और खैर एनी वे यार, आई थिंक इट्स अबाउट कि आप उन बाइकों का क्या करते हो, एक्सपीरियंसेस राधर ना, पे काउंट करो अपनी मटीरियलिस्टिक थिंग्स की, भाई मेरे पास इतनी बाइकें हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. एनी वे टॉकिंग अबाउट, अभी ये वाली मोटरसाइकिल एक रीज़न था इसका जो ली है. द रीज़न इज़ आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. सो आई हैड द वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक द निंजा S2, फिर द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैपेसिटी प्रोडक्शन मोटरसाइकिल द रॉकेट 3R. तो ये उसी लाइन में है. एक ड्रीम गैराज होता है, एक ड्रीम होती है किसी की, तो वो मैं बस पूरी कर रहा हूँ उसके. आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीवन इंक्लूडिंग पीपल लाइक हिम. मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसके साथ क्यों आता है मैं बताता हूँ, क्योंकि जो आपसे 20 साल छोटा है तो वो आपको एनर्जी देगा और ना उसी किस्म की यू नो, तो उससे क्या होता है कि आप यंग रहते हो. ये आपको समझ में आएगा जब आप 40 साल के हो गए, जब आप 40 साल के हो गए, वीलियाँ मार रहे हो गए, सर्किट पे रिकॉर्ड सेट कर रहे हो गए ना, तो समझ में आएगा तुम्हारे को. पर एनीवे अभी जो है मुद्दा वो ये है कि इसमें एक और सरप्राइज़ है. सोने पे सुहागा ये आप समझ लो. हाँ. जो कि मेरे ख्याल से किसी ने नहीं सोचा होगा. रैप करवा दिया आते ही, मतलब यार उसका अब यही है ना. बहुत कुछ है, मतलब ठीक है जो भी है, मतलब बहुत क्या नहीं, पता है क्या बात है, मैं 3-4 मिनट में पता लग जाएगा. हाँ, हाँ. जो इंस्पायर्ड होता हूँ ना मैं, रैप वगैरह जो अब मेरे दिमाग में चलते हैं डिजाइन, वो यहाँ से आते हैं. यार अरे भाई साहब, लाइटें बंद करके उसकी लाइटों पे मोटोग्राफर का लोगो लगा दिया, मैं इतना हैरान था. लाइटें बंद करके उसके रॉकेट की. हाँ. वो एकदम से आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया मेरे लिए आया कि भाई अच्छा है सब. वो नहीं, उसमें लाइट है, ऑक्सिलरी लाइट. अरे वो साइड वाली लाइट, लाइट नहीं बंद करते ऐसे. अरे अरे अरे. हाँ. मतलब जो हेडलाइट आती है. ठीक है, तो अभी अनवील करते हैं. ठीक है, बहुत मजा आने वाला है. अभी यहाँ पे हम राइड करके आ चुके हैं. अब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन सर, कीप गोइंग. थैंक यू, थैंक यू. चलो ठीक है. राघव हियर, ही इज 20 इयर्स ओल्ड, ही इज गॉट हिज सेकंड सुपर बाइक ऑलरेडी. एंड जो चीज इसके पास है राघव, मैं चाहता हूँ तुम उसको समझो कितनी प्रेशियस है. आपके पास टाइम है, जो टाइम जो है वो ऐसी चीज है आप वापस नहीं ला सकते. सो यू आर सो यंग, यू हैव डन सो मच व्हेन यू आर 20. रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव एंड एवरीवन एल्स इज हियर. लाइक दिस इज लाइक द लीक ऑफ यू नो सुपर जेंटलमैन Deepak Bansal. So he is the guy, he is super creative and I love creative people because they rub off creative energy off me. Then when I saw this motorcycle, meko samajh mein aa gaya this has to be the next bike in the series. You'll understand why in a while. So let me do this. Yeah! Alright. Shabash, shabash.
1, 2, 3 मैंने बोला था कुछ लोगों को पता होगा why I have done this motorcycle in this team. Anyone? Yes, I am winning. The Joker. Hi, Joker. But why? Why big fan of DC? Why Joker? Philosophy? It could have been a Batman. It could have been Superman. This is something which very few people know. And I want to tell you why I have done this in this team. Okay, first of all, this is not my favorite color, but look, very few people know that the Ducati designer who had made this. He has actually built the front of the motorcycle after the Joker. Okay. Oh. So officially Ducati has made this motorcycle after the Joker. If you go into the documentation online on their official website, you'll understand that ye jo aage wala front hai, it resembles the Joker. That's why I chose to do this wheel initially, and there are a few custom parts. For example, ye hai, yahan pe wheel cover hai, the side, you know, frame cover here, the seat. And of course the livery, and so that's the reason why I got the Street Fighter V4S. And I absolutely love that because obviously pallet delivery is really good. Congratulations again. Keep growing. Thank you. ठीक है. Grow तो कर ही रहा हूँ यार. हाँ. इसका हो गया तो. Keep का बता है. Well did. ठीक है. हाँ. मैं बस बता दिया मैंने. अब मैंने नहीं सुना. वो मैंने पता है क्यों बोला था. You look like मतलब जैसे कहते हैं ना. Delhi version of Batman. पैर भी अमीर हूँ. है ना. ये बात. ये भी ठीक है. चलो congratulations again. और हम अपनी फटफटियों पे चलते हैं. भाई साहब ठेके की लाइन देखो. ओके सो अभी मनन भैया और मैं साथ में राइड कर रहे हैं. कावासाकी बैठने का प्लान था बट हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए तो अभी हम जा रहे हैं घर गाइस.